आपको भी धन्यवाद। आपसे मैं जानकारी यही लेना चाहता हूँ कि आप नगर परिषद चेयरमैन के जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो मतलब क्या लेकर के मतलब जनता के कुछ मतलब कि यही सोचे कि हमको चेयरमैन के चुनाव लड़ना चाहिए? हम 20 साल से जनता का सेवा कर रहे हैं, इसी सोच से हमने सोचा है कि नगर परिषद का जो चुनाव होगा उसमें हम जनता को सेवा करेंगे, इसी नियत से हम आए हैं समाज। बहुत लोग चेयरमैन की दावेदारी कर रहे हैं, संजीत जी अपने आप को अभी आप कहाँ देखते हैं? हम जनता के बीच में अपने आप देख रहे हैं, हमको 2800 वार्ड में हमको लोग जानता है जो बाबा हैं। हम बंजारी मोड़ से हम पूरा आपको शुगर फैक्ट्री के आगे तक भी हमारा जान लोग हमको जानता है, और हम ये यही सोच के आए हैं समाज में मार्केट में कि हमको जो लोग शुरू से सेवा किए हैं तो इसमें भी निकलने के बाद सेवा करेंगे। बहुत सारे प्रत्याशी हैं चेयरमैन के, लेकिन संजीत जी के साथ ही जनता क्यों जाए? क्योंकि हम जनता के बीच में रहने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ जनता आ रहा है। अभी आपके क्षेत्र में जो घूम रहे हैं, मतलब विकास की स्थिति आपके क्षेत्र में कैसा है? तो विकास स्थिति यही है कि बंजारी से आपको अंबेडकर चौक तक स्ट्रीट लाइट 3 साल 4 साल लगे हुए हो गया, आज तक एक भी बॉल उसमें नहीं जलता है, और हर गली में पानी घुस जाता है मकान में बारिश होने के बाद। 1 घंटा बारिश गोपालगंज में हो गया तो सबके घर में पानी घुस जाता है, पानी निकलने का कोई उपाय नहीं। यही हमारा मिशन है कि ये बहुत ही जमीनी स्तर के व्यक्ति हैं, हर किसी के गरीब के अमीर के सबके सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। जब जो रात को 12 बजे बुलाए, चाहे जो वर्क हो, इनके अपने काम के अलावा जिस वर्क से पब्लिक इनको बुलाता है, ये हमेशा वहाँ खड़े रहे हैं 24 घंटे आपके सुख में दुख में। जमीनी स्तर के नेता जब चाहिए उनसे मुलाकात हो जाएगी। क्या संजीत जी के साथ यहाँ की जनता जाना को पूरी तरह? बाबा जो है रात को 12 बजे इनको फ़ोन कीजिए तो हम हाजिर रहते हैं, वो अमीर हो या गरीब हो सभी के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। आखिर संजीत मिश्रा जी को क्यों आप लोग पसंद कर रहे हैं? और संजीत मिश्रा ही जो है वो सबका जो है दिन रात साथ रहने वाले व्यक्ति हैं। क्या संजीत मिश्रा जी को